ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मॉर्निंग, अभी मैं सो क्यूटी हूँ और मुझे थोड़ा सा लेट उठना था क्योंकि पूरे हफ्ते स्कूल रहते हैं, सब रहता है तो उठना पड़ता है जल्दी। तो मैंने सोच मुझे संडे वाले दिन में थोड़ा सा हम सब लेट में सो के उठते हैं, लेकिन आज मुझे जल्दी काम है, मुझे कहीं जाना है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9, लेकिन मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, बट मुझे जाना है। जैसे जैसे करके मैंने आँखें वाँखें खोल खाल के उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने और रेडी होंगी और उसके बाद मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है, क्या करने जाना है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलो अभी चाय पीते हैं, अपनी नींद को भगाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चाय और ये है खारी। तो आज मैं सिर्फ नाश्ते में चाय और खारी खाऊंगी। और वैसे भी मैं रोज़ ही खाती हूँ और मेरी चाय की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि एक कप भर के मैं चाय पीती हूँ। मॉर्निंग में मुझे इतनी ही चाय लगती है, मैं पूरा दिन चाय नहीं पीती, मुझे चाय का कोई नशा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में जो है मुझे चाय ज़्यादा लगती है। कम से कम मैं 2 कप के बराबर चाय पीती हूँ। तो अभी चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आप कैसे हैं, आई होप कि आप अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी चाय पी चुकी हूँ और अब मैं रेडी नहीं होंगी, पहले घर के काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद आज जा रही हूँ मैं मार्केट शॉपिंग पे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो मैंने शादी के अभी कुछ भी तैयारी नहीं की, कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि अभी तक पेपर चल रहे थे बच्चों के, तो इस वजह से कुछ ना कुछ लगा था, फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, सबके आने की टाइमिंग स्कूल की बिल्कुल अलग थी, तो ऐसे पूरा दिन लग जा रहा था और शाम होते ही बारिश हो जा रही थी, तो ये सब लगा ही था। तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैंने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी, तो आज संडे है, कल सैटरडे की प्लानिंग थी जाने की, लेकिन कल वासित को काम था, तो आज संडे है, आज वो घर में है। तो आज हम सब रेडी होंगे और जाएंगे शॉपिंग करने, देखते हैं वहाँ पे क्या है और आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और वासित रेडी हो रहे हैं और सिद्रा भी यहाँ पर अभी बैठी है, अभी उठेगी रेडी होने के लिए। तो आज मैं और सिद्रा और बासी तीनों लोग जा रहे हैं, अनाबिया नहीं जा रही, इब्राहिम भी नहीं जा रहा क्योंकि वो लोग का मन नहीं है जाने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान करते हैं, तो हम लोग ही आज जाएंगे ताकि सुकून से देख सकें, और जल्दी से जाएंगे और जल्दी से भी आ जाएंगे। उन लोग को लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलो रेडी हो ही चुके हैं, बस बासी देखो कितना टाइम लगाएंगे। आपके घर में सबसे पहले कौन रेडी होता है, लेडीज़ रेडी होती है या जेंट्स रेडी होते हैं? मेरे घर में हमेशा लेडीज़ फर्स्ट आती है और जेंट्स जो है सेकेंड आते हैं रेडी होने में। तो गाइस, मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर ही नहीं की कि मैं जो शादी में जा रही हूँ वो किसकी शादी में जा रही हूँ। तो मैं अपने कज़िन ब्रदर की शादी में जा रही हूँ, यही शादी को अटेंड करने के लिए हम सब पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी भी कर रहे हैं। मेरे कज़िन ब्रदर की शादी है तो मैं बहन लगती हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है एक बहन की जो प्रिपरेशन होती है बारात में जाने की वो सब बिल्कुल अलग होती है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कि हम लोग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, वो मार्केट में जाने के बाद ही देखेंगे, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि रेडीमेड ले लें क्योंकि वक्त एकदम भी नहीं है कि सिलाई के चक्कर में पड़े, लेकिन वो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं, जो अच्छा होगा जो बेस्ट लगेगा वही लेंगे। तो वो सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए सीधा चलते अब मार्केट में ही चलेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ और सिद्रा भी रेडी हो चुकी है और मेरा बैग भी रेडी है। तो हो चुकी है दोपहर, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए इब्राहिम को लेकर के भी नहीं जा रहे हैं। इब्राहिम और नाबिया घर में है और छुट्टी भी है, खाना वाना खा करके आराम से टीवी देख रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। देखिए मीटर पहले 18 था, फिर 21 हुआ, अब 25 हो गया है, 25 से स्टार्टिंग हो गया है। हर बार मम्मी वही गिनती उनके 2-3 रस्तों पे ऑडियो लगा लगा के, गाने लगा लगा के दिखाएंगे, कितना कुछ नया रास्ता दिखाओ। मेरे घर से यही एक रास्ता है, हर जगह हर बार वही एक रास्ता और यही एक आदमी। Ah!
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day it'd be me. If I want it, then I'll be lehenga le liya. Madam ji, lehenga nahi dikhana hai. Nahi dikhana lehenga, nahi dikhana hai aapko. Bhaiya 5000 kar rahe hain. पाँच किलो का लहंगा है। हम जाएंगे अपने YouTube अपने प्लेटफॉर्म वाले पे जाके लोगों के डिजाइन देखेंगे, चेक करेंगे ब्लाउज की। उस पे तो कोई कॉपीराइट भी नहीं डाले। शॉपिंग 600 रुपए मेरे उधारी हैं। क्या हो गया? अरे लहंगा दिखते हैं। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप दो टाइम खाना मत खाइए, लेकिन अपनी बीवी से कभी 100 रुपए उधार मत लीजिए, क्योंकि 100 का 1,00,000 रुपया आप चुका देंगे लेकिन पैसा चुक नहीं पाएगा। गलत, हमने अभी के पूछे 100 रुपए, 600 मतलब 120 का 600 साला सुखी लाला भी जो है ना मदर इंडिया को छोड़ दिए हो। यार हमने गलत मांगा हो तो बताओ, हमने गलत मांगा मदर इंडिया में जो सुखी लाला था ना, तुम बताओ हमने गलत मांगा। हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अभी मदर इंडिया का सुखी लाला ने भी ऐसा नहीं किया। बताइए 120 का 600, 12×5=60, 50 और लो। जितनी देर बात करेंगे ना, ऊपर पहुंचते पहुंचते 1,000 हो जाएंगे, ऊपर ऊपर पहुंचते पहुंचते 14-15 हो जाएंगे। पापा का 2,00,000 का उधार बाकी है मम्मी का। लिफ्ट आओ घर में, आओ तुम्हारा हिसाब जो है। देखो पीछे पीछे आ गई सब, ये सोचेंगे कहीं 3-4 लाख और ना निकल रहा। लिफ्ट छोड़ के बाहर आ गए। रास्ता दिखाने वाले ना खुद मेरे पीछे आते हैं, ये देखो। तो हो चुका है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी मैं फिर से जा रही हूँ। आज अनाविया को लेकर के जाना है मार्केट, तो आज अनाविया को लेकर के मैं जा रही हूँ। घर की बिल्ली बहुत परेशान कर रही है मुझे, तो अभी कल तो मार्केट से आने के बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल भी वीडियो आगे की मैंने नहीं बनाई थी। फिर मैंने कहा चलो आज की वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी, तो इसलिए मैंने आज की भी वीडियो आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो आज अनाविया को लेकर के मैं जा रही हूँ, और वहाँ से आने के बाद काफ़ी थक गए थे शॉपिंग कर करके, दिन भर ऐसा थक गए। फिर बच्चे भी अकेले थे घर में, फिर आए तो खाना वाना का होता तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। फिर मैंने कहा चलो आज मॉर्निंग नहीं दोपहर है, आप देख सकते हैं अभी 3:30 बज रहे हैं। तो अभी अनाविया को लेकर के बस हम लोग जा रहे हैं, वो भी अभी स्कूल से आई है तो थोड़ी देर रेस्ट की, फिर हम लोग कहे चलो आज उसका भी काम कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे करते करते एक दिन ख़त्म ही होता जा रहा है। तो चलो फिर आज उसका उसके लिए भी कपड़ा जो लेना है वो ले लेते हैं। डराने के लिए फोटो नहीं बना रहे हैं बच्चों को, आज अनाबिया कड़े है। अभी से सब भागा जा रहा है। चलो शौक पूरे हो गए। कलर नहीं, थोड़ा और एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी हल्की दिखाओ, थोड़ा बच्चे का हिसाब से ज्यादा हो रही है। कब से इसका ड्रेस हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन अभी इसका कपड़ा नहीं मिल रहा।
लाइट कलर और कम रेंज में दिखाइएगा, बात जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आना ना आना दोनों में फोन करना। नहीं अच्छा लग रहा है पिंक कलर, छोटी पच्ची वाला, जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही मिला, जैसा चाहिए था। कब से खटखटा रहे हैं ये लोग, पकड़ो बाप रे, मेरा पूरा हाथ दर्द हो गया। यस, और क्या क्या लिया, कपड़े भी आ गए, और तुम लोग के लिए फुल्की पानी भी ले लिया। फुल्की? हाँ पानी पूरी। बाप रे बहुत थक गए। अनाबिया भी आ रही है नीचे से, भूल गई है लेने के लिए कुछ सामान पापा के साथ। क्या लिए देखो, अभी नहीं दिखाना है। हाँ, अभी नहीं दिखाएंगे, जब कैमरा ऑन होगा तब। ऐसा लगाना का ठीक है उसका, पर मेरे हिसाब से ना उसके एज, मतलब जो एज है ना उसके लिए बड़ा है, तो उसको जब बाद में अगर आप जब सिलवाओगी तो ठीक आएगा वो। असल में प्रॉब्लम ये हो गई कि उस हम दोनों ने जैसा अपना आउटफिट लिया है ना, तो अना को भी वैसे ही लेना था, तो लेकिन अभी हमारी और सिद्रा की मतलब लगभग ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सिर्फ हाइट तो सेम है लेकिन वो थोड़ा बॉडी का पतला हो सकता है। लेकिन उसका क्या था कि जैसा मम्मी पहन रही हैं और अप्पी पहन रही हैं हमें भी चाहिए, तो उसकी ज़िद थी, तो हमने कहा चलो ठीक है एक ले लेते हैं। और अभी ये है कि टेलर के पास वो जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम है। साइज लहंगे किसका तो नहीं, पर जो ब्लाउज का साइज है ना वो बड़ा वो है। अब वो टेलर के पास तो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा काम है, अभी टेलर के पास भी जाना है। गाउन दिला, गाउन नहीं लेना चाह रही थी, कितनी इतना मैं 2 से 3 मार्केट में गई और बहुत लंबा टाइम दिया कि उसको समझाते रहे, लेकिन नहीं उसको लहंगा ही लेना है, क्योंकि हम लोग ने लहंगा ले रखा है तो उसको भी लहंगा लेना है, और रेडीमेड भी नहीं लेना है, तो इसके चक्कर में बहुत अलग ही चल रहा है जो वो करे वही। तो उसके चक्कर में इतनी ज्यादा लेट भी हो गया आने में। खैर सिद्रा घर में थी, बाबा इब्राहिम को देख भी ली, और उसने आखिर में जाके उसने लहंगा ही लिया। चलो खैर जैसा भी है, अभी सबके कपड़े आउटफिट जो थे सबके शादी के आ चुके हैं, अब बस हमको टेलर के पास जाना लेकर के उसको देना है, और कल मॉर्निंग में ही मैं पहला काम करूँगी टेलर के पास जाने का, क्योंकि टाइम जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का रेडीमेड कपड़ा हो जाए, सिद्रा का और अनाबिया का, तो ख़ासतौर से मैं सोच रही थी कि रेडीमेड हो क्योंकि उन लोग की सिलवाने की झंझट नहीं हो, लेकिन अभी यहाँ सबके कपड़े सिलवाने वाले हो गए हैं, सबके कपड़े, किसी ने भी रेडीमेड नहीं लिया, मतलब मैंने तक नहीं लिया इसने लिया, तो अभी सारे कपड़े जो है रेडीमेड है। सिलवाने वाला नहीं, पर हमने बोला कि चलो ले लो, अच्छा भी नहीं लग रहा था, जो रेडीमेड थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और मैंने सोचा कि जब जाना ही है टेलर के पास तो फिर वैसे ही डाल दो जैसा फिटिंग का चाहिए। तो खैर चलो, शादी की जो बार बार होता नहीं है, कभी कभी शादियाँ पड़ती हैं, पहली बार जा रहे हैं। हाँ तो चलिए, लगभग कपड़े की तो जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई, बस अब टेलर के पास डालना है, वो कल का काम है मेरा, कल के पास टेलर के पास मुझे सीधे कल जाना है और कपड़े को देना है सिलने के लिए, फिर उसके बाद जो है बाकी की जो चीज़ें वो करेंगे। तो बस चलिए, आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आगे की भी वीडियो जो है आपको इसी तरीके की शॉपिंग वगैरह से ही रिलेटेड मिलेगी, और फिर शादी की भी मिलने वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी अच्छी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।